हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ZN। ZN क्या होता है, कैसे ये सेट बनता है, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं हम इस सेट को, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज होता है, ठीक है, और क्या ये सेट ग्रुप है, क्या ये सेट अबेलियन ग्रुप है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ये, हमने कंस्ट्रक्ट करना है ZN, हमने बनाना है ZN। ओके, तो देखिए ZN क्या होता है, Z हमें पता है क्या होता है, इसका मतलब क्योंकि ये Z के ऊपर एक सफिक्स N लगा हुआ है, इसका मतलब ये कहां से आ रहा है, ये Z से ही आ रहा है। Z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, up to so on। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स पे एक ऑपरेशन लगा दें, कौन सा, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n का, ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n का जो ऑपरेशन लगा दें, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी या जो सेट बनेगा इक्विवेलेंस क्लासेस का या फिर जो रेसिड्यू क्लासेस का सेट बनेगा, उस सेट को हम बोलते हैं ZN। क्यों बोला हमने इसको ZN, क्योंकि इस पे कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n का Z के ऊपर ही सेट भी वही लेना है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n का ऑपरेशन भी वही लेना है। इसका मतलब यहां पे हमने ये चीजें फिक्स कर देनी है कि क्या हमने सेट लेना है और क्या हमने लेना है ऑपरेशन। तो ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसको, हम कैसे हमने कंस्ट्रक्ट करना है और क्या ये ऑपरेशन होता है। ओके, तो लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम ZN को लिखते कैसे हैं, ठीक है। ZN होता है द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n या फिर 4 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n की। इस ऑपरेशन के लिए जो रेसिड्यू क्लासेस का सेट होता है वो होता है ZN। ओके, और क्या लिख सकते हैं, और हम ये लिख सकते हैं द सेट, किसका सेट, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। क्या वर्ड आया इसमें, इक्विवेलेंस क्लासेस। क्या होती है इक्विवेलेंस क्लासेस, 4 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n, ये होता है ZN। सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि ZN एक्चुअली क्या होता है, ये रेसिड्यू क्लासेस का सेट बोलिए या फिर इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट बोलिए, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, ZN बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे ऊपर बात आई कि इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट कैसे बनता है, तो अभी हम कुछ टाइम से, कुछ वीडियोस में, अपनी लास्ट वीडियोस में मैं आपको पार्टीशन, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्विवेलेंस क्लासेस, कोशेंट सेट, ये सब कुछ बता चुकी हूँ, है ना। हम थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा जाते हैं कि अगर आपके पास ए एक सेट है, ठीक है, ए टू बी एक अगर आपका फंक्शन बन रहा है तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है, या फिर हम बोल दें कि अगर हम ए पे ही डिफाइन करें तो ए क्रॉस ए का सबसेट जो होगा वो रिलेशन बनेगा। ए क्रॉस ए वीडियो है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आया कि ये रिलेशन वर्ड आ गया, रिलेशन वर्ड आ गया कि मतलब रिलेशन क्या होता है, कोई भी ए क्रॉस ए का सबसेट या ए क्रॉस बी का सबसेट, डिपेंड ए टू बी है या ए टू ए ही है, वो सेट पे डिपेंड करेगा। ओके, फिर इसके बाद वर्ड आया था इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन भी हमने किया था डिटेल में, वो रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर कोई रिलेशन ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन था, ठीक है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट टाइम आए थे इक्विवेलेंस क्लासेस पे। इक्विवेलेंस क्लासेस को हमने कंस्ट्रक्ट करना सीखा था कि अगर हमें कोई सेट गिवन है और हमें कोई रिलेशन गिवन है तो उस रिलेशन के रिस्पेक्ट में उस सेट का हम पार्टीशन करते हैं, ठीक है। जब हम पार्टीशन करते हैं तो हमारे पास डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आ जाती हैं। ओके, तो उन क्लास
क्लासेस के सेट को, उन क्लासेस के सेट को हम क्या बोलते थे, क्वेश्चन सेट बोलते हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ये बेस पता चल गया। अब बात आई कि ये क्वेश्चन सेट होता है, क्वेश्चन सेट क्या होता है, क्लासेस का सेट। और यही मैंने आपको ये बोला कि जो जेड एन होता है, जेड एन भी क्या होता है, क्लासेस का ही सेट होता है, इक्विवेलेंस क्लासेस का। तो बट यहां पे क्या आ जाता है, जब हमने जेड एन बनाना है, ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन सेट बनाने के लिए या इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट बनाने के लिए हमारे पास कोई भी सेट हो सकता है और कोई भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। बट अगर हमने पर्टिकुलरली जेड एन बनाना है तो हम सेट क्या लेंगे, ये लेंगे, और रिलेशन क्या लेंगे, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू गो बी मोड एन, ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन। तो क्योंकि इक्विवेलेंस क्लासेस बनाने के लिए हमें यही दो चीजें नीड होती है, ठीक है। कैसे नीड होती है ये हम बहुत कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार आप देखिए कि ये रिलेशन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन होता क्या है, ये रिलेशन क्या कहता है कि ए जब, ए कब कॉन्ग्रुएंट होगा बी मोड एन के, व्हेन एन डिवाइड्स ए माइनस बी। ये रिलेशन पता है इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं एट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड फोर, ओके, एन की वैल्यू ले ली फोर, बी की वैल्यू बी है, हम ए की, यहाँ पे बी की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो, बी की जगह पे आप जीरो रख सकते हो, एट माइनस जीरो को फोर डिवाइड करेगा, ओके, बी की जगह पे आप वन नहीं रख सकते क्योंकि एट माइनस वन को फोर डिवाइड नहीं करेगा, सेवन आ जाएगा, सेवन को फोर डिवाइड नहीं करेगा, है ना। आप यहाँ पे टू भी नहीं रख सकते, थ्री भी नहीं रख सकते, फिर क्या ले सकते हो, फोर ले सकते हो, है ना, एट माइनस फोर को फोर डिवाइड करेगा। इस टाइप से आप यहाँ पे जाके फिर 12 ले सकते हो, ओके, 8 भी ले सकते हो, 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोड 4, क्यों, क्योंकि आप 8 माइनस 8 जीरो को भी 4 डिवाइड करेगा। इस टाइप से हम बहुत सारे ऑपरेशंस ले सकते हैं और इस ऑपरेशन का ये मतलब होता है कि a n डिवाइड्स a माइनस बी, या फिर 4 डिवाइड्स यहाँ पे 8 माइनस जो भी आएगा उसको, ठीक है। तो ये हुआ, ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड एन, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है क्या ये रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट बनाने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ओके, क्योंकि हम उनको क्या वो होते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं, है ना, ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। अब यहां देखिए, हमने ये चेक करना है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिलेशन, फिर हम जेड एन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। जेड सेट है हमारे पास, उस सेट के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। हमने रिलेशन तो ले लिया बट हमें ये दिखाना पड़ेगा कि यस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले क्या दिखाना होता है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव मतलब ए इस बी की जगह पे भी आप क्या ले लेते हो, ए ले लेते हो। क्या ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एन होता है, यस, बिकॉज एन डिवाइड ए माइनस ए, जीरो को सब डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सेकंड हम चेक करते हैं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, मतलब कि एन अगर डिवाइड करता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन एंड बी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एन। अगर ये इम्प्लाइज दिस, इसका मतलब कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है तो, ठीक है। अब n अगर डिवाइड करता है, सपोज कीजिए माइनस फोर को, या फिर n की जगह मैं फोर ले लेती हूँ, फोर डिवाइड करता है एट को, तो फोर माइनस एट को भी तो डिवाइड करता है ना, फोर डिवाइड्स माइनस एट ऑल्सो। इसका मतलब फोर डिवाइड्स a माइनस बी, इफ दिस इंप्लाइज फोर डिवाइड्स b माइनस ए, हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है ट्रांजिटिव इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एन, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एन। अगर ये आपको निकल के आ रहा है इन दो रिलेशन से, दैट मीन्स ये आपका आंसर आना चाहिए, दैट मीन्स रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। A is congruent to B mod n. This implies n
n divides a minus b and n divides b minus c because b is congruent to c mod n. अब क्या आया? इसका मतलब अगर n divide कर रहा है a minus b को and n divides b minus c, this implies n divides a minus b plus b minus c. क्या आ गया आपके पास? n divides a minus c. Hence a is congruent to c mod n. इसका मतलब अब हमने ये चेक कर लिया कि जो ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. इसका मतलब हमारा ये रिलेशन ठीक है. अब बात आती है कि n रिलेशन Zn बनाना है तो हमारे पास n लिया हमने यहाँ पे. अगर मैं सपोज करिए हमें बनाना है Z4, ओके, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? A is congruent to B mod 4. ओके, तो रिलेशन क्या हो गया? A is congruent to B mod 4. ये है हमारे पास सेट और ये है हमारे पास रिलेशन. अब हम बनाते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस. ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस आपने बनानी है Z4 की. इसका मतलब रिलेशन यूज होगा ये. तो सबसे पहले Z में से हम एलिमेंट उठाते हैं जीरो और जीरो की इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं. ठीक है, जीरो की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी कि यहां पे मैं लिख देती हूँ. इसकी इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे डिनोट करते हैं x such that x is उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग x is congruent to a mod 4. ओके, तो वो जो मेंबर्स होंगे x वो किसमें आएंगे? आपके किसमें आएंगे? वो आपकी जीरो की क्लास में आएंगे. एक ही जगह पे क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि हमने यहां पे क्या लिया? जीरो. अब बताइए कौन कौन आएगा? एक्स माइनस जीरो. फोर शुड डिवाइड एक्स माइनस जीरो. ठीक है, तो इसका मतलब पूरा के पूरे वो वाले मेंबर्स आ जाएंगे जो एक्चुअल में फोर से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि फोर एट माइनस फोर माइनस एट, है ना. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये तो जीरो ही है. जीरो माइनस करने से मेंबर्स पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा. तो आपके पास कौन से मेंबर्स आ जाएंगे? माइनस एट माइनस फोर जीरो फोर एट अप टू सोन. ओके, फिर हम बनाएंगे नेक्स्ट वन की क्लास. ओके, वन की क्लास आपकी कैसे बनेगी देखिए. अब आप बनाते हैं वन की क्लास में कौन से मेंबर्स आएंगे. मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे लिख दिए लिख के. ठीक है, x such that x is congruent to 1 mod 4. ओके, 1 mod 4 मतलब माइनस सेवन माइनस थ्री वन फाइव नाइन. बताइए कैसे बना? मतलब कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे x is congruent to 1 mod 4 मतलब कि 4 should divide x minus 1. अब 4 should divide x minus 1, तो 4 किसको डिवाइड करता है? 4 को. तो x की जगह अगर मैं 5 डाल दूं तो 4 किसको डिवाइड करेगा? 5 minus 1 क्या होगा? 4 को. x की जगह पे 1 डाल दूं, 1 minus 1 0, 4 divides 0. x की जगह 9 डाल दें. ओके, तो सिमिलरली ये जो बन जाएगा हमारा 1 की क्लास बन जाएगी. फिर आप बनाएंगे 2 की क्लास सेम ऐसे ही लिख के. क्या मिलेगा आपको 2 की क्लास में? माइनस सिक्स माइनस टू. ओके, और यहाँ पे आपका क्या आएगा? टू. यहाँ पे आपका क्या आएगा? सिक्स. यहाँ पे आपका क्या आएगा? टेन अप टू सोन. अब आप ये देखिए, माइनस सिक्स माइनस टू करेंगे, अब की बार माइनस एट हो जाएगा. माइनस टू करेंगे क्योंकि आप रिलेशन क्या है? एक्स इज कॉन्ग्रोवेंट टू टू मोड फोर. टू की क्लास में वो मेंबर्स है. ठीक है, तो ये ऐसे ही करके टू की क्लास बनी. फिर हम बनाएंगे सिमिलरली थ्री की क्लास. बताइए थ्री की क्लास क्या हो जाएगी? माइनस फाइव माइनस वन. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? थ्री. यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेवन इलेवन अप टू सोन. तो ये बन गई थ्री की क्लास. फिर जब आप नेक्स्ट में आएंगे फोर की क्लास पे, ओके, फोर की क्लास में क्या मेंबर्स आ जाएंगे? फिर से वही आएंगे जो जीरो की क्लास में है. क्यों? क्योंकि एक्स इज कॉन्ग्रोवेंट टू फोर मोड फोर में वही मेंबर्स आएंगे. यहाँ पे आप जीरो डालेंगे तो डिवाइड करेगा, फोर डालेंगे तो करेगा, एट डालेंगे तो वही मेंबर्स आएंगे जो जीरो की क्लास में थे. तो इसीलिए जीरो की क्लास फोर की क्लास के इक्वल है. ठीक है, तो आगे फिर जो आप फाइव की क्लास बनाएंगे वो वन की इक्वल आ जाएगी. तो ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्लासेस सारी क्या आ रही है? वही आ रही है, रिपीट हो रही है. तो हम जब हम सेट बनाएंगे तो सेट में यू नो कि हम सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते. ठीक है,
तो अब बताइए क्या सेट बनेगा। मैं ये रब कर दूं, हमारे पास चार क्लासेस बन गई। कौन कौन सी चार क्लासेस बन गई जेड फोर में? हमारे पास जेड फोर सेट बन गया जीरो की क्लास, वन की क्लास, टू की क्लास, थ्री की क्लास। ओके, तो जेड फोर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, जेड फोर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो वन टू थ्री। ओके, जेड फोर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो वन टू थ्री, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, सेट ऑफ रेसिड्यूज, रेसिड्यू क्लासेस या सेट ऑफ रिमाइंडर्स। ठीक है, जो आपके जब आप जीरो की क्लास में देख रहे हैं तो आपको क्या रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, जीरो रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, है ना। जीरो की जो भी क्लास होगी उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे सब क्या रिमाइंडर देंगे, जीरो देंगे। वन की जो भी क्लास होगी उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे सब रिमाइंडर क्या देंगे, वन देंगे, है ना। तो देखिए इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, अब हम सारा कर चुके हैं, कैसे हमने रिलेशन डिफाइन किया, कैसे हमने उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ किया, कैसे हमने इक्विवेलेंस क्लासेस उस रिलेशन के थ्रू बनाई, और कैसे उन रिलेशन उन इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट बना। जो वो सेट बना, पर्टिकुलर जेड सेट लेना है आपने, पर्टिकुलर रिलेशन लेना है, उन दोनों के रिस्पेक्ट में जो कोशेंट सेट बना जेड एन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इन जनरल आप क्या बोल सकते हैं कि अगर एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, ओके, देन द इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा लेना है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एन का ही लेना है। जेड थ्री बनाना है तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो थ्री का रिलेशन लेना है, जेड फोर बनाना है तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो फोर का रिलेशन लेना है। सिमिलरली जो ये सबको हमने क्या लेना है, इक्विवेलेंस रिलेशन हैज एग्जैक्टली एन इक्विवेलेंस क्लासेस, और वो कौन सी होती है, एनजेड, एनजेड प्लस वन, एनजेड प्लस टू अप टू सो ऑन। ये जनरलाइजेशन हमने दिया कैसे, क्योंकि जब आपने फोर की बनाई थी तो क्या बनी थी, जीरो वाली क्या थी, फोर जेड वाली क्लासेस थी, वन वाली क्या थी, फोर जेड प्लस वन वाली थी, यू कैन चेक इट अगेन, फोर जेड प्लस टू वाली थी, और थ्री वाली क्या थी, फोर जेड प्लस थ्री वाली थी। ठीक है, तो ऐसे ही जेड थ्री क्या होता है, जीरो वन टू, ओके। जेड फोर क्या होता है, जेड फोर होता है जीरो वन टू थ्री, मतलब कि एक कम, मतलब कि एन माइनस वन, तो क्योंकि फोर्थ वाली क्लास से ही रिपीट होना स्टार्ट हो रहा था। तो इन जनरल हम जेड एन के कैसे लिखेंगे, जेड एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, जीरो वन टू अप टू सो ऑन एन माइनस वन, दीज आर इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो जैसे कि जेड फोर अगर मैं लिख रही हूं तो मैंने क्या लिखा था, जीरो वन टू थ्री। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब आप इंटीजर्स को फोर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलते हैं आपको, यही मिल सकते हैं, या जीरो रिमाइंडर मिलेगा, या वन रिमाइंडर मिलेगा, या टू मिलेगा, या थ्री मिलेगा। ठीक है, यही रिमाइंडर मिल सकते हैं। ऐसे ही Z3 की क्लास क्या बनेगी, जीरो वन टू, ये एक्चुअल में इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, Zn हमने बना लिया। अब हम ये देखेंगे कि Zn कैसे एक ग्रुप बनाता है, ठीक है, कैसे अबेलियन ग्रुप बनाता है। ओके, तो ये हम अपना चेक करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो कि Zn एक्चुअल में कैसे बनता है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज करे उससे रिलेटेड सारी वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कोशेंट सेट बनता है, कैसे इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं, क्या पार्टीशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ओके, और ग्रुप्स और रिंग्स की भी बहुत सारी वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड।